स्टूडेंट, आज आपके सामने जो केमिस्ट्री का आपका चैप्टर 3 है, या आपका नेक्स्ट पार्ट आपका वैद्युत रसायन है। वैद्युत रसायन का आपका जो क्वेश्चंस, आपको इसमें से जो टॉपिक आपको लर्न करने हैं, आप किसी भी बुक से अपना वो टॉपिक लर्न करिएगा। तो ये टॉपिक आप देख लीजिएगा, यहाँ पर आपको कंप्लीटली यहाँ पर मिलने वाला है। जैसे कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, जैसे कि सारी चीजें हम स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर बताते चलेंगे, और एकदम ढंग से आपको देखना है ताकि आपको वो सारी चीजें समझ में आ जाएं कि आखिर क्या बताने वाले हैं। देखिए, यहाँ पर आपका चैप्टर 3 है ये आपका, और आपको यहाँ पर दिख रहा है कि वैद्युत रसायन की परिभाषा, जो कि वैद्युत रसायन होती है उसकी परिभाषा दी गई। तो वैद्युत रसायन किसे कहते हैं, ये आपको, जो रसायन विज्ञान की वह शाखा है, रसायन विज्ञान की वह शाखा कि जिसके अंतर्गत रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में तथा वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में तथा उसमें होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है, उसे वैद्युत रसायन कहते हैं। मतलब आप एकदम अच्छी तरीके से समझ सकते हैं कि वैद्युत रसायन विज्ञान की वह शाखा है जो कि रासायनिक ऊर्जा को आपको वैद्युत ऊर्जा में बदलती है। मतलब आपका कोई रासायनिक केमिकल ही चीज हो, केमिकल से हम एक वैद्युत ऊर्जा तैयार करें, केमिकल की जो ऊर्जा होती है उसके सहारे से मैं क्या करूं, उसके द्वारा हम वैद्युत ऊर्जा उत्पन्न करूं। तो यही जो हमारा सिस्टम होता है, वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में तथा उसमें होने वाले परिवर्तन को ही हम जो अध्ययन करते हैं वही हमारा वैद्युत रासायन। सीधे सीधे शब्दों में बोला जाए, जो रासायनिक चीजें होती हैं उससे हमें वैद्युत ऊर्जा मिलता है, वैद्युत से रासायनिक ऊर्जा मिलता है। ये सारी जो हमारे क्रियाएं होती हैं वैद्युत रसायन में हम पढ़ते हैं, तो आप समझ गए होंगे। उसके बाद इसी में चर्चा होती है कि सेल क्या है। क्या सेल, सेल को हम क्या बोलते हैं, मतलब सेल आपको ऐसे भी समझते हैं कि सेल जो हम बैटरी वगैरह लगाते हैं इस तरह की चीजें में, तो सेल हमारा जिसे जिस पात्र में वैद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन कराते हैं, मतलब ऐसा कोई पात्र हो, ऐसा कोई आपका बर्तन हो, पात्र का मतलब समझ रहे हैं, कोई बर्तन हो, इस बर्तन में मान लीजिए हम कोई केमिकल ही रख रहे हैं, मतलब हमारा इसमें केमिकल रिएक्शन करा रहे हैं, तो जो हमारी रासायनिक ऊर्जा इससे जो परिवर्तित हो रही है इस पात्र से, तो ये उसी सेल, इसी को हम सेल कहेंगे। कोई एक पात्र हो, इसमें हम केमिकली रिएक्शन करवा रहे हैं, तो जो हमारा ये पात्र है ये हमारा क्या होगा, सेल होगा। ये सारी चीज समझ, सेल समझ लिए, वैद्युत रसायन समझ, मतलब वैद्युत रसायन वाली क्रिया जिस पात्र में होगी, जिस बर्तन में होगी, जिस हमारी वस्तु में होगी, वो हमारा एक सेल होगा। ठीक है, बात को समझ गए। चलिए, बात को समझ गए तो कोई बात ही नहीं है, आगे देखते हैं। अगला है आपका यहाँ पर, जैसे सेल के बारे में कुछ चीजें हैं, ये देखिएगा। तो सेल के बारे में क्या चीज है, बोला जा रहा है कि आपको वैद्युत रासायनिक सेल, एक तो आपका सेल आपका एक प्रकार का हो गया वैद्युत रासायनिक सेल। अच्छा, वैद्युत रासायन सेल जो होता है आपका, जो वैद्युत रासायन जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल वो सेल होते हैं जो रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। जो रासायनिक ऊर्जा की होती है उसको क्या बदलते हैं, वैद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। तो उसे ही हम, उस वैद्युत रासायनिक सेल को ही हम वैद्युत रासायनिक सेल कहते हैं, उसे ही हम, उस सेल को हम क्या बोलते हैं, वैद्युत रसायन। मतलब आप सीधे शब्दों समझ सकते हैं, वह सेल जो रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदल, तो हमारा क्या हो गया, वैद्युत रासायनिक सेल, वैद्युत रासायनिक सेल, जिसमें हम क्या करते हैं कि उस प्रकार के सेल में आपका गैल्वेनिक सेल आता है, वोल्टी सेल आता है, ये सेल हमारे क्या होंगे, वैद्युत रासायनिक सेल होंगे। और इस सेल की खोज जो है गैल्वेनिक तथा वोल्टा नामक वैज्ञानिक ने की थी, इसलिए इस सेल को हम गैल्वेनिक वोल्टी सेल कहते हैं। ठीक है, इसको एक वैज्ञानिक जो हमारे गैल्वेनिक थे और जो वोल्टा थे, इन वैज्ञानिकों के नाम पर ही इसका हमारा गैल्वेनिक और वोल्टी सेल कहा गया। ये हो गया हमारा वैद्युत रासायनिक सेल। वैद्युत रासायनिक सेल के बाद आपका आता है वैद्युत अपघटनी सेल। वैद्युत अपघटनी सेल क्या होता है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो होता है आपका, वो सेल होते हैं जो कि वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं। बात समझ गए ना, उसका विपरीत, आपका रासायनिक ऊर्जा से वैद्युत ऊर्जा में, और ये रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में। ठीक है, जो आपका वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल रहे हैं, तो वैद्युत अपघटनी सेल कहते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई ना, कंप्लीटली समझ में आ गया। तो इसको आप क्या करिए, नोट्स कर लीजिएगा, इसका PDF आपको हो सकता है मिले या ना मिले, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए अब इसके बाद हम चलते हैं आगे। तो देखिएगा, यहां से अब आ गया गैल्वेनिक सेल के बारे में चर्चा करते हैं। किस किस गैल्वेनिक सेल, तो गैल्वेनिक सेल जो होता है आपका, सर्वप्रथम इस सेल का निर्माण जो है 1780 में, किस सन में, 1780 में लुईस गैल्वेनी ने सन 1800 में
एलेसेंड्रो वोल्टा नामक दौरे, मतलब दो, ये 1780 में और ये 1800 में दोनों ने मिलकर के जो किया, इसे हम गैल्वनिक सेल या वोल्टी सेल कहते हैं। यानी कि गैल्वनी वाले को गैल्वनिक सेल और वोल्टा वाले को हम वोल्टी सेल कहते हैं। दो प्रकार के सेल जो तैयार हुए, दो वैज्ञानिकों द्वारा तैयार हुए। तो इन सेलों में रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, और इस सेल का कार्य प्रणाली जो है वो रेडॉक्स अभिक्रिया पर आधारित। किस पर? रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया समझते हैं, ऑक्सीजन और चयन की दोनों क्रिया जिसमें होती है वो रेडॉक्स अभिक्रिया। तो ये सारी चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। इसके बाद चलते हैं अगले पेज पर। यहां पर चलिए, इसमें देखिए बोला गया कि ऑक्सीकरण और चयन की अभिक्रिया अप्रत्यक्ष रूप से भिन्न भिन्न पात्रों में होती है जो लवण सेतु आपस में जुड़े होते हैं। मतलब सीधी बात, रेडॉक्स वाली अभिक्रिया और अप्रत्यक्ष रूप से भिन्न भिन्न पात्रों में होते हैं। चलिए हम यहाँ पर पहुंचते हैं मेन अपने टॉपिक, एक है इलेक्ट्रोड विभव का मापन। इलेक्ट्रोड विभव, तो इलेक्ट्रोड विभव के बारे में हम समझते हैं सबसे पहले कि इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है। किसी इलेक्ट्रोड की इलेक्ट्रॉन त्यागने और ग्रहण करने की प्रवृत्ति, उसका इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। कोई एक इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड मतलब जैसे कि आपने एक से लिए पात्र हुआ, पात्र में आपने ये दो आपने छड़ डाली, तो यहाँ पर इस एक समझ लीजिए, ये एक हमारा एक इलेक्ट्रोड हो गया। क्या हो गया हमारा? ये एक इलेक्ट्रोड। अच्छा, इसमें हमारा ये धन आयन है, ऋण आयन है, तो हमारा ये धन आयन आपका यहाँ पर त्यागेगा, ये ऋण आयन इस पर हमारा, दोनों एक दूसरे। तो हमारा जो यहाँ पर बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉन की त्यागने की और ग्रहण करने की जो प्रवृत्ति होती है किसी पर, जैसे कैल्शियम हो गया, यहाँ पर आपका फास्फोरस हो गया, यहाँ पर क्लोरीन हो गया, मतलब कोई तत्व है जो हमारा वैद्युत से रिलेटेड रखता हो, उसमें हमारे इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता को ग्रहण करने की जो प्रवृत्ति होती है वो हमारा इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। इलेक्ट्रोड का क्या बोला था? विभव। और इसका जो चिन्ह होता है, याद रखिएगा, इसका चिन्ह होता है हमारा ई नॉट, यहाँ पर ई जीरो की तरह जो लगा हुआ है, ये इसके द्वारा प्रदर्शित करते हैं। और इसे वोल्ट में मापा जाए, इसका जो मात्रक हमारा होगा उसको वोल्ट में लिखेगा, जैसे विभवांतर का लिखते हैं। ओके, यहाँ पर ये कारक इसका दिया कि ये किन कारकों पर निर्भर करता है, मतलब इसके लिए क्या क्या चीजें होनी चाहिए, किस पर बात इस पर होती है, कि ये धातुओं की प्रकृति पर निर्भर करता है। धातु की प्रकृति वैसी हो तभी ये इलेक्ट्रोड विभव काम करेगा। विलयन में उपस्थित धातु जो आयन की सांद्रता पर निर्भर करता है, आयन की जो सांद्रता होती है उस पर निर्भर करता है, और टेम्परेचर है, तापमान पर निर्भर। ये तीनों चीजें होंगी तभी इलेक्ट्रोड विभव हमारा वो जो होगा काम करेगा। तो ये चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। चलते हैं अगले पेज पर। यहां पर आ जाता है आपकी बार आपका नेक्स्ट समीकरण, जो आपका है नेक्स्ट समीकरण। तो नैनेस समीकरण जो होता है, इसके बारे में बहुत बार पूछा जाता है, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। इसमें टॉपिक टॉपिक है, क्वेश्चन अपने हिसाब से ढाल करके लिखना है, जो पेपर में आएगा तो आपको पढ़ना है। नैनेस समीकरण क्या होता है? नैनेस समीकरण आप दिमाग में डालिए। इसमें क्या बोल रहा है कि किसी इलेक्ट्रोड का विभव उसके आयन की विलयन की सांद्रता तथा ताप पर निर्भर करता है, जिसके मध्य संबंधन वाले, मतलब जिसके मध्य जो संबंध दर्शाता है वही नैनेस का समीकरण होता है। क्या होता है? वही आपका नैनेस समीकरण होता है, नैनेस समीकरण। तो आप इसको चाहे नैनेस समीकरण कहिए, नैनेस समीकरण, या आप नैनेस समीकरण, बात एक ही है। तो ये हिंदी में थोड़ा लिखने में दिक्कत होती है। अब इसमें देखिए, अगर आपको परिभाषा याद है तो आप सूत्र बना लेंगे, और सूत्र पता है परिभाषा बन। यहाँ पर क्या बोल रहा है? इलेक्ट्रोड का विभव, क्या बोल रहा है? इलेक्ट्रोड का विभव उसके आयन की विलयन की सांद्रता पर, उसके आयन की विलयन की सांद्रता पर, ठीक है, और ताप पर। किस पर? ताप पर। तो सीधे बात हो रही है, यहाँ पर देखिए इसका ये ताप है, और ठीक है यहाँ पर देखिए, और इस तरीके से उसकी सांद्रता बोला जा रहा है उसके आयन पर। यहाँ पर हमारा देखिए ई से लह जो है, और हमारा तो टोटल हमारा नैनेस का समीकरण है। अब इसमें क्या क्या चीजें कैसी है, यहाँ पर देख रहे हैं, जो हमारा ई है ये सेल है, सेल का अभिक्रिया विभव है, अभिक्रिया विभव, अभिक्रिया करने में जो विभव है वो हमारा ई सेल है, ये वाला है, ये आपका ई है। और जो ये आपका ई नाटो यहाँ पर लिखा हुआ, ये आपका ये है जिसको हम बोलते हैं मानक इलेक्ट्रोड विभव, यानी मानक विभव है। वो क्या है? मानक विभव है। जो हमारा यहाँ पर R लिखा हुआ है ये हमारा गैस स्थिरांक है, और जो हमारा T लिखा है वो हमारा फैराडे स्थिरांक, ओ सॉरी, T जो हमारा लिखा हुआ वो तापक्रम टेम्परेचर के लिए हमारा केल्विन के रूप में तापक्रम है। जो हमारा F है वो फैराडे नियतांक है। क्या है? फैराडे नियतांक है। उसके बाद आप यहाँ पर देख रहे होंगे यन यहीं पर है आपका, तो जो यन है आपका वो आयन चार्ज है, वो आपका क्या है? वो आपका आयन चार्ज है। उसके बाद आपका यहाँ पर क्यू दिख रहा होगा, तो जो हमारा क्यू जो दिख रहा है वो, ये हमारा क्यू जो है वो रिएक्शन एक आपका रिएक्शन का क्वेश्चन है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर ये आपका नैरन समीकरण आपको लर्न होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही बार नैरन समीकरण परिभाषा सहित सूत्र सहित और समझाकर बताइए कि इसमें कौन चीजें क्या है, तो जरूर याद कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो है यहाँ पर है, ये है नैरन समीकरण के साम्य स्थिरांक के बारे में चर्चा की गई है।
तो इसमें आपको समझ लेना है, मतलब आपका जो नया समीकरण होता है वो आपका समय के साथ साम्यावस्था की तरफ गति करती जाती है और समय के साथ आपकी आर्गन मात्रा कम होती है, मतलब ये समय के साम्यावस्था की तरफ ये गति करती है। उसके साथ साथ ये समय के साथ साथ जैसे क्रिया होती है तो इसमें अभिकारक जो होता है उसकी मात्रा क्या होती है, कम होती जाती है, और उत्पाद की जो मात्रा होती है बढ़ती। अभी आप समझिए अभिकारक जब कम हो रहा है तो उधर उत्पाद में बढ़ रहा है, तो ये एक ऐसी स्थिति आती है जब अवक्रिया जो है साम्यावस्था में पहुंच जाती है। अवक्रिया क्या होती है, साम्यावस्था में पहुंच जाती है, और जब यह अवक्रिया साम्यावस्था प्राप्त कर लेती है तो वही जो है वह स्थिति ही सेल का विभव शून्य हो जाता है, सेल का जो विभव होता है शून्य हो जाता है और वही साम्यावस्था सेल की कहलाती है, वो आपका जीरो हो जाएगा, सेल का क्या हो जाएगा, जीरो। यहाँ पर कोई सेल है जैसे यहाँ पर एक सेल ए और एक सेल बी में यहाँ पर है और यहाँ पर सी और डी दोनों क्या हो गए कुल, तो सेल की अभिक्रिया के लिए निम्न समीकरण के निम्न प्रकार लिखा जा सकता है जिसके बारे में यहाँ पर आपका है, थोड़ा सा और देखिएगा, ए इस तरीके से कंडीशन पर है, ठीक है, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा तो देख सकते हैं कि ये आपका इसका मान यहाँ पर एन बटा लॉग के मान में आपका ये है, तो आपका ये निरंतर समीकरण साम्यवस्था साम्य स्थिरांक के बारे में आपका आता है, कभी आता है कभी नहीं आता है, फिर भी आपका जो फार्मूला है उसको रन कर लेंगे, कोई जरूरत नहीं, बहुत ज्यादा आता नहीं है, फिर भी जो भी चीजें हैं आपको ध्यान देना है, ठीक है। इसके बाद आता है वैद्युत रासायनिक सेल अभिक्रिया का गिब्स ऊर्जा, क्या आता है अगला आपका गिब्स ऊर्जा, तो गिब्स ऊर्जा के बारे में यहाँ पर थोड़ा सा समझाया गया कि आखिर गिब्स ऊर्जा क्या है, तो गिब्स ऊर्जा के बारे में हम बोलते हैं तो गिब्स एनर्जी वो है कि जो गिब्स जो आपका गिब्स फंक्शन होता है के रूप में भी जाना जाए, इसको हम गिब्स फंक्शन के रूप में जानते हैं, यानी एक मात्रा है जिसका उपयोग निरंतर तापमान और दबाव के साथ थर्मोडायनेमिक सिस्टम में किए गए काम के अधिकतम मात्रा की गणना के लिए ये आपका किया जाता है, यानी गिब्स ऊर्जा कहलाती है। मतलब आप यहाँ पर बोलिए ये जो होता है ये थर्मोडायनेमिक, क्या थर्मोडायनेमिक सिस्टम में काम की अधिकतम मात्रा की गणना के लिए किया जाता है, हमारा जो ऊर्जा वो हमारा गिब्स ऊर्जा होती है, और गिब्स ऊर्जा को हम जीस में मुक्त ऊर्जा का प्रतिनिधित्व मतलब जिस चीज को हम संकेत देते हैं, और इसका जो इसे जूल या किलो जूल में मापा जाता है, मतलब मात्रा जूल या किलो जूल होता है, और एक बंद प्रणाली से निकाले कार्य की अधिकतम मात्रा की गिब्स मुक्त ऊर्जा के रूप में परिभाषित किया जाता है। ये आपका सिस्टम से आपका यहाँ पर प्रश्न का ये आपका यहाँ पर देखिए ये आपका गिब्स ऊर्जा हो गई जो कि यहाँ पर लिखा, यहाँ पर देखिए डेल्टा आर जी आपका लिखा हुआ है, इसमें आपका माइनस एन एफ ई ये आपका जो है जिसमें आपको देख रहे हैं डेल्टा आर जी नाट आपका अभिक्रिया की मानक गिब्स ऊर्जा होगी और ई नाट आपका सेल का मानक विभव होगा, एफ आपका फैराडे स्थिरांक है, एन आपका आयन का चार्ज है। तो अब इसके बाद आता है ओम का नियम, ओम के नियम को आप अच्छी तरीके से लर्न कर लीजिए, बहुत ही आता है ये भी आपका, तो इसलिए ध्यान दीजिएगा इसके बारे में ही आपको अच्छे तरीके से समझ के चलना ही चाहिए, ठीक है। तो चलिए आगे ऊपर करते हैं, इसके बाद दिखाते हैं, ये है ओम का नियम कहता है कि चालक के सिरों पर अब जो आरोपित विभवांतर है और इसमें बहने वाली जो विद्युत धारा होती है उसके समानुपाती होता है, ठीक है, तो ये आपको वैसे ही लर्न कर लेना है, छोटा में आपको मिल गया। फिर यहाँ पर प्रतिरोध की चर्चा हो रही है, किसी चालक में विद्युत धारा के अवरोध को प्रतिरोध कहते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध किसे कहते हैं, किसी चालक का जो हमारा प्रतिरोध उसकी विशिष्ट मतलब 1 सेंटीमीटर घन वाला, 1 सेंटीमीटर आपका घन का जब चालक का जो प्रतिरोध होगा उससे हम विशिष्ट प्रतिरोध, प्रतिरोध तो हो गया कि चालक विद्युत धारा का जो हम अवरोध करता है प्रतिरोध होगा, और वही प्रतिरोध जो है हमारा विशिष्ट प्रतिरोध तब होगा जब हमारा 1 सेंटीमीटर के ऊपर गणना हो तब हमारा विशिष्ट प्रतिरोध होगा, ठीक है। उसके बाद हम आगे चलते हैं, यहाँ पर आपका कुछ ये देखिए छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, इनको आपको विशिष्ट चालकता के बारे में वही हो गया, प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है, चालकता क्या होती है, किसी चालक के प्रतिरोध जो होता है उसके व्युत्क्रम की चालकता कहते हैं, उसके व्युत्क्रम को चालकता बोलते हैं। आयनी विलयनों की चालक का मापन, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको छोड़ते हैं, कोई मतलब नहीं निकलता है इसके बारे में, यहाँ पर आपको समझाया गया है, इसको कोई जरूरत नहीं, यहाँ पर आप थोड़ा सा देख लेना इसके बारे में जो है मोलर चालकता बोला रहा है। मोलर चालकता क्या कहते हैं, स्थिर ताप और निश्चित सांद्रता पर, जब आपका ताप स्थिर हो और उसका सांद्रण एक निश्चित सांद्र हो तब क्या होता है, 1 मोल विद्युत अपघट के लिए विलयन की जो चालकता होती है वही मोलर चालकता होती है, विलयन की जो चालकता हमारी होगी वो मोलर चालकता होगी, अथवा आप समझ सकते हैं कि विद्युत अपघट के आणविक चालकता जो होती है उसकी विशिष्ट चालकता के या आयतन बी के गुणनफल के आपका विद्युत अपघट 1 ग्राम घोल मूला मतलब उसमें 1 ग्राम जो घोल मोल के रूप में मिला होता है। सांद्रता का प्रभाव सांद्रता बढ़ाने पर कम करने पर मोलर चालकता में वृद्धि होती है। तुल्यांक की चालकता की अगर हम चर्चा करें तो 1 ग्राम तुल्यांक विद्युत अपघट के विलयन की चालकता और तुल्यांक की चालकता कहते हैं। ये छोटे छोटे होते हैं, इनको अगर आपको पता रहेगा तो बड़े बड़े क्वेश्चन में आप इसको ऐड कर सकते हैं, ठीक है।
चलिए हम आगे चलते हैं। यहाँ पर वैद्युत अवघट के बारे में चर्चा हो रही है। वैद्युत अवघट का मतलब होगा कि प्रबल वैद्युत अवघट। क्या प्रबल वैद्युत अवघट किसे बोलते हैं? प्रबल वैद्युत अवघट वो अवघट है जो अवघट प्रत्येक तंत्र पर पूर्णतः आयनित होते हैं। क्या होते हैं? पूर्णतः आयनित होते हैं और जिसे बिलियनों के आयनों की संख्या अधिकतम होती है। मतलब बोला जा रहा है कि जिसने अगर आपका जो वैद्युत अपघटन में जो प्रत्येक ऐसे तंत्र पर आपका पूर्णतः आयनित हो जाता है। क्या हो जाता है? पूर्णतः आयनित हो जाता है और जिससे इन विलयनों की आयनों की संख्या जो होती है अधिकतम हो जाती है और यही विलयन की चालकता जो है उच्च होती है। और ऐसे उच्च विलयन के लिए एन ए सी एल के सी एल एन ए हो या जाए और ये हमारे जो है वैद्युत अवघट प्रबल वैद्युत अवघट। इसी तरीके से आपका दुर्बल वैद्युत अवघट हो जाता है वो वैद्युत अवघट जो विलयनों में आंशिक रूप से वियोजित होते हैं। ये कम मात्रा में वियोजित होने के कारण इनके विलयनों के आयनों की संख्या कम होती है जिससे इनकी चालकता कम होती है। उदाहरण के लिए HCOH, हार्मिक अम्ल, अमोनियम एसिटेट, ये सारी चीजें हैं। अब आ जाता है वैद्युत अपघटनी सेल और वैद्युत अपघटन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप भी अच्छी तरीके से अपनी बुक से या जहाँ जहाँ से आप इसको अच्छी तरीके से ध्यान दीजिएगा, ट्राई करिएगा वैद्युत अपघटनी सेल के बारे में। तो यहाँ पर वैद्युत जिस सेल बोला गया है कि जिस सेल में आपका वैद्युत अपघटन होता है, ऐसा सेल प्रक्रिया हो जिसमें वैद्युत का अपघटन हो तो उसे ही हम वैद्युत अपघटनी सेल कहते हैं, उसे वैद्युत। और इस सेल में धातु की दो प्लेटें तार डुबा दिए जाते हैं तो जिसे हम इलेक्ट्रोड कहते हैं। इलेक्ट्रोड दो प्रकार के होते हैं, एक एनोड होता है और एक कैथोड होता है। तो एनोड और कैथोड को समझते हैं थोड़ा सा। एनोड और कैथोड के बारे में यहाँ पर देख सकते हैं, ये है। तो एनोड क्या बोलता है? एनोड कह रहा है कि वह इलेक्ट्रोड जहां पर ऑक्सीकरण होता है, ऐसा इलेक्ट्रोड हो। मतलब आपके पास बैटरी सेल में आपके पास दो इलेक्ट्रोड हैं, एक इलेक्ट्रोड कैथोड एक इलेक्ट्रोड। तो एनोड क्या बोल रहा है कि जहां पर ऑक्सीकरण हो वही आपका एनोड होता है। कैथोड वह इलेक्ट्रोड जिस पर अपचयन होता है वो आपका कैथोड होता है, यानी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। तो हमारे समझ में आप देखेंगे तो प्लस और माइनस होते हैं, इसी को हम इलेक्ट्रोड एनोड और कैथोड बोलते हैं। तो वैद्युत अपघटन वाली वैद्युत अपघटन के वैद्युत अपघटन में वैद्युत धारा प्रवाहित करते हैं और पिघली अवस्था में जड़ी विलयन में तो अलग हो जाती है, जिसे वैद्युत अपघटन। मतलब तो समझ रहे हैं, एक पात्र आप जो लिए थे इसमें आप कुछ विलयन मिला दिए हैं, इसमें क्या मिला दिए हैं? विलयन मिला दिए हैं। वैद्युत अपघटन बोल रहा है कि इसमें वैद्युत धारा प्रवाहित करते हैं परंतु पिघली जलीय अवस्था का विलयन, विलयन जो पिघली विलयन जलीय अवस्था और तो अलग हो जाती है और उसी को वैद्युत अपघटन। अब आ जाता है लास्ट में आपका चार्ज, आपका बैटरियां। क्या आ जाता है? बैटरियां। बैटरियों के बारे में देखते हैं। तो बैटरियां क्या होती है? दो या दो से अधिक सेलों का समूह जिसे श्रेणी क्रम में जोड़कर उसे वैद्युत धारा प्राप्त की जाती है, बैटरी कहलाती है। जो हम ऐसे दो या दो से अधिक जो हमारा समूह में श्रेणी क्रम में जोड़ ले और उसे वैद्युत धारा प्राप्त कर ले वही हमारा क्या होता है? बैटरी। सीधे शब्दों में जिससे हम वैद्युत एक बिजली का उत्पादन कर ले तो हमारा एक बैटरी है, चाहे छोटी हो बड़ी हो। से प्राथमिक बैटरी किसे बोलते हैं? वे सेल होते हैं जो पुनः व्यवस्थित नहीं किए जा सकते हैं, एक ही बार होता है यूज। वो रेडार सक्रिय होती रहती है, अभी तब तक कार्य करते हैं जिसमें अपक्रिया केवल एक ही दिशा में संपन्न होती है। अपक्रिया को पूर्ण हो जाने पर सेल अनुपयोग हो जाता है, मतलब सेल में फिर से विद्युत ऊर्जा नहीं बनेगी। यानी कि प्राथमिक जो बैटरी होती है वो हमारा एक बार यूजेज होती है बस, उसके बाद जो चार्ज होकर के बन करके जो भी आती है वो यूज होती है, दोबारा चार्ज नहीं किया जाता, आवेशित नहीं किया जाता। तो एक व्यापारिक सेल या बैटरी सेल में निम्न गुण होना चाहिए, इसके बारे में यहाँ पर चर्चा की जा रही है जो कि आपका यहाँ पर है। इसमें क्या बोला जा रहा है कि आपका जो वे सेल जिसे पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता, एक बार जो जब रेडार सक्रिय हो जाए तब तक काम करते हैं और सिस्टम होते हैं। एक व्यापारिक सेल में बैटरी में निम्न गुण क्या होगा? ये भार में कम और छोटा होंगे, स्थिर वोल्टेज होंगे, पुनः आवेशित होंगे और कम कीमत के होंगे। ये हमारा व्यापारिक सेल एंड बैटरी में आपका गुण होना है, ये गुण होता है। इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन हुआ पूरा, ठीक है। इसके बाद चलते हैं, हम आपको दिखाते हैं, ये हमारी संचायक बैटरी है जिसके अंदर आप देख रहे होंगे तो ये हमारी एक कार्बन की छड़ है बीचों बीच में। आप ये वाला सेल तो देखे ही होंगे, ये सेल वही सेल है जिसको आप यूज कर रहे हैं, ठीक है। संचायक बैटरी आपको यूज कर रहे हैं तमाम सेलों के रूप में, जो 10 रुपये 5 रुपये का सेल यूज करते हैं, जिसमें बीच में आपका एक इलेक्ट्रोड है जो कि कार्बन की छड़ होती है। यानी आप जो आप दीवार घड़ी दीवार जो घड़ी होती है दीवार घड़ी में लगाते नहीं, वो सब वो वाले सेल होते हैं। रिमोट भी लगाते हैं, ऐसे सेल बहुत सारे टाइप के छोटे बड़े सेल होते हैं, तो वो सेल हमारा होगा। इसमें जो होता है क्या होता है, बीच में होगा कार्बन की छड़ होती है जो कि कैथोड माना जाता है। क्या बोला जाता है इसको? हम कैथोड बोलते हैं। उसके बाद जिंक का एक कप होता है नीचे साइड, ये हमारा एनोड पॉइंट हो जाता है। क्या हो जाता है? एनोड पॉइंट। मतलब इसमें जो हमारा यहाँ पर पेस्ट मिला हुआ जो विलयन बना हुआ है, जो हमारा यही तो है हमारा वैद्युत अपघटन बिंदु हमारा है, तो ये हमारा MnO2 है प्लस कार्बन का जल है
और इस तरीके से हमारा ये मिला हुआ देश जिसको मिला करके इसमें डाला गया, अब हमारा विद्युत यहाँ से उत्पन्न होगी। इसके बाद हमारी संचायक बैटरी आ जाती है। संचायक बैटरी की चर्चा करें तो हमारा कुछ इस तरीके से है यहाँ पर संचायक बैटरी, जो कि आपको दिख रही होगी। संचायक बैटरी भी बोली जाती है कि वो सेल जिन्हें विद्युत धारा द्वारा प्रवाह करके पुनः आवेशित करके बार बार उपयोग में लाया जा सकता है। एक बार चार्ज करो फिर खत्म हो, फिर चार्ज करो फिर खत्म हो, जैसे आप मोबाइल की बैटरी या तमाम प्रकार की बैटरी यूज कर रहे हैं तो ये हमारी संचायक बैटरी होती है। इसमें कैथोड आपका यहाँ पर है ये जो दिख रहा है पॉइंट, और एनोड जो है नीला पॉइंट जो हमारा इस तरीके से दिख रहा है कुछ मटमेले कलर का आपका, ये जो है ग्रीन कलर का ये हमारा कैथोड हो गया, बाकी एनोड हो गया। बाकी यहाँ पर जो हमारी प्लेटें यहाँ पर आपका दी गई है ऋणात्मक प्लेट्स हैं, उसके बाद यहाँ पर जो कुछ प्लेट दी गई है ये प्लेट धनात्मक प्लेट्स है, ऋणात्मक धनात्मक प्लेट्स मत गए। और इसके बाद यहाँ पर आपने सारा चीज़ें जो है यहाँ पर ऊपर निकाला, तो हमारी क्या हो गई ये संचायक बैटरी संचारक बैटरी थी। ठीक है, अगली बैटरी पर चलते हैं कि आखिर कितनी बैटरी यहाँ देखते हैं। तो बैटरियाँ के लिए यहाँ पर आपका ईंधन सेल आ गया। क्या आ गया आपका ईंधन सेल। ईंधन सेल किसे कहते हैं, देखिए ईंधन सेल के बारे में पढ़ते हैं तो वो सेल जो H2CO मतलब H2 हो, सीधी सीधी बात H2 हो या तो आपका CHO4 हो मतलब हाइड्रोजन हो या मीथेन हो, इन जो आज जैसे जो ईंधन के दहन के लिए प्राप्त ऊर्जा को सीधे क्या करता है विद्युत ऊर्जा बदल, अगर इनके दहन से जो प्राप्त होता है ना वो सीधे में क्या बदलता है विद्युत ऊर्जा बदलता है, तो ईंधन सेल इसी को बोलते हैं। यानी ईंधन सेल की विशेषता क्या होती है प्रदूषण रहित कार्य प्रणाली, इसमें कोई प्रदूषण नहीं होता, इसलिए इसे ईंधन सेलों में किसी भी प्रकार का हानिकारक उत्पाद नहीं बनता है। उच्च दक्षता ईंधन सेलों की दक्षता लगभग 70 से लेकर के इतने तक आपका अत्यधिक परंपरागत सेलों से बहुत ज़्यादा होगा। फिर ऊर्जा के सतत स्रोत, ये लगातार विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने वाले स्रोत भी रहेंगे, तो इस तरीके से ईंधन सेल की विशेषता होती है, इस तरीके से ईंधन सेल की विशेषता होती है। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर संक्षारण दिखाया गया। संक्षारण के लिए हम पिछले पाठ में बहुत सारे पाठ में चर्चा की है, देख सकते हैं, नहीं तो उसको देखने जरूर मैं यहीं पर संक्षारण एक बार देखिए। संक्षारण एक विद्युत रासायनिक घटना है जिसमें धातु वायुमंडल की नमी एवं ऑक्सीजन से क्रिया करके धीरे धीरे अवर्धनीय यौगिक में परिवर्तित हो जाती है। धातुओं की इस तरह नष्ट होने से प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। इस तरीके से जो नष्ट हो रहा है उसकी परत परत और खत्म हो रहा है वही हमारे संक्षारण है। सीधे सीधे शब्दों में समझे संक्षारण जो है जंग बोला जाता है। ठीक है, ये हमारा यहाँ पर इतना क्वेश्चन था, आपको इतना क्वेश्चन क्या इतना टॉपिक था जो कि आपको एक बार रीड करना चाहिए इस तरीके से। बाकी आपको ये संक्षारण में ही आ रहा है, जिससे उधर लोग एक बार जंग लगना चाहिए पकड़ना पड़ना है, तो देख लीजिए आपस में ऐसे आपका ऐसे ऐड। तो अगली वीडियो के लिए आपको हमारे चैनल पर स्टे रहना, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और क्या करना है, हमारे फेसबुक चैनल को भी प्लीज सपोर्ट करिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम, उसके बाद आपका टेलीग्राम चैनल की भी लिंक है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए, फेसबुक चैनल जो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, मतलब आप कहीं ना कहीं